रामपुर में एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हाँ, ये मामला रामपुर के थानागंज क्षेत्र और तहसील के अंदर बने वकील के चैम्बर पर, जहाँ पर पत्रकार आसिफ खान बैठे हुए थे, वहाँ पर एक डॉक्टर जो कि जिनका कैसर रसूल नाम है, उनके भाई हैं फैसल रसूल, वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने पहले तो गाली गुप्तारी पत्रकार के साथ करना शुरू कर दी। बहरहाल ये काफ़ी देर तक मामला रामपुर की तहसील के अंदर वकील के चैम्बर पर चलता रहा। किसको लेकर वहां पर कुछ महिलाएं और कुछ लोग आ गए जिन्होंने बीच बचाव करना शुरू किया। तो बहरहाल फिर क्या था, फैसल रसूल जो थे उन्होंने उन लोगों के साथ भी धक्का मुक्की और बदसलूकी शुरू कर दी। दरअसल आसिफ ने वहां से भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। बहरहाल पत्रकार का आरोप है कि फैसल रसूल ने उनको जान से मारने की धमकी दी है और पत्रकार आसिफ खान ने यह भी बताया कि उनका एक मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, जिस बात को लेकर कैसर रसूल और फैसल रसूल इस बात को लेकर नाराज हैं, जिसको लेकर उन्होंने लगातार मारपीट करने की कोशिश की है और जान से मारने की धमकी भी दी है। दरअसल पीड़ित पत्रकार आसिफ खान क्या कह रहे हैं, डालते हैं इस रिपोर्ट पर नज़र। मेरा नाम आसिफ खान है, चैनल से रिपोर्टर हूँ रामपुर से। मैं आज तहसील गया था, मेरा एक ज़मीन का विवाद चल रहा है अल्फा मैक्स हॉस्पिटल डॉक्टर कैसर रसूल से। जब मैं वहाँ पर तहसील पहुँचा तो उसका भाई आया मेरे पास, डॉक्टर वो फैसल नाम का है, वो बंदा उनका भाई हैगा। वो आता है और आकर मुझसे बोलता है कि तू आज तहसील आया है, अगर आज के बाद आया तो मैं जान से मार दूँगा, और एक तेरा केस उधर भी चल रहा है उसमें कोर्ट के अंदर, और वहाँ पर भी तू दिख नहीं रहा, अगर तू मुझे दिखता, कई तरीक़ों से तू आया नहीं, मैंने वहाँ पर भी लौंडे लगा रखे हैं और लड़के लगा रखे हैं और काफ़ी बदतमीज़ी करी। मैं उसको बैठ बोलता रहा कि आप बैठ जाइए, बैठ के बात कर लीजिए, आप एक अच्छी फैमिली से हैं, आप बैठिए, बैठ कर बात करिए, मगर वो मुझसे बदतमीज़ी करते गए। वहीं पर एक महिला बैठी थी जो एक रजिस्ट्री कराने आई थी, ये विनय कटियार जी का चैम्बर था, उस चैम्बर में बैठे हुए थे। वो महिला बोली कि आप तमीज़ से बात करिए, भाई साहब आप कैसे बात कर रहे हैं। तो उनको उनने धक्का दिया और बोला तू खामोश रहे, ऐसे करके इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है और बहुत ही वो की है। क्यों कर रहे हैं सही लोग? ये लोग धमकाना चाह रहे हैं कि मैं कोर्ट से मुकदमा, मेरे हक में हो रहा है कि कोर्ट से मुकदमा ना हो। इनके भाई किसी टाइम पे मेरे पार्टनर थे, इन लोगों ने मेरी ज़मीनें दाब ली हैं, जो मेरे पैसे की हैं वो इनके नाम पर चढ़ी हुई हैंगी। मैंने इनके नाम करा दी थी, मैंने सोचा था ये बात को मैं इनसे करा लूँगा, उसके बाद से इन्होंने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए मुझसे, कि अब आनकर मुझसे कहते हैं कि तुझसे ली जाए तो ले लियो, ना मुझसे बात कर रहे हैं, ना कहीं बैठकर पंचायत कर रहे हैं कि बैठ के अपनी बात कहें और मुझे बताएं कि क्या इनका हिसाब है, क्या मेरा हिसाब है। अचानक इन्होंने साथ छोड़ दिया मेरा, 3 साल से मेरे साथ थे ये। आज जो गाड़ी गुप्ताई की बात बता रहे हैं आप, कहाँ का मामला है ये? नई तहसील जो हैगी उस तहसील के अंदर विनय कटियार जी वकील हैंगे, उनके चैम्बर का मामला है ये। उस चैम्बर में मैं बैठा हुआ था तो ये अचानक आ गए। शिकायत की आपने? मैंने थानागंज में जाकर SHO को शिकायत की है, उनको तहरीर दी जाएगी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्दी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एक कोई शख्स से वकील के चैम्बर पर, जो कि उन्होंने भी काफ़ी बीच बचाव करने की कोशिश की गई, तो वहाँ पर उन लोगों के भी आरोप हैं कि फैसल रसूल ने उन लोगों के साथ भी काफ़ी बदतमीज़ी की है। बहरहाल पीड़ित पत्रकार आसिफ खान ने रामपुर की गज पुलिस को FIR दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। छोटी हो या बड़ी, हर खबर मिलेगी आपको यहाँ पर। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, में हूँ आपके साथ खान उबैद चुनूस। आपको ये खबर हमारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और हाँ साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली खबरें आपसे कहीं छूट ना जाएं। बने रहें खबरों के लिए आप मेरे साथ।